25वीं से 27वीं आयत तक। और देख तेरा बेटा ये है, फिर शागिर्द से कहा देख तेरी मां ये है। खुदावन यीशु मसीह अपनी सलीबी मौत में और सफर में कंसर्न है। पहला एक कंसर्न है, जनरल कंसर्न है कि खुदावन यीशु मसीह ने अपनी शख्सियत को, अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर का डिस्प्ले किया है। और उसका कैरेक्टर क्या है? माफी करना, शफात करना। ये जनरल कंसर्न है दुनिया के लिए। दूसरे कदमे में उसने इंडिविजुअल कंसर्न शो किया है, एक इंफरादी कि उसकी माफी जनरल भी है और इंफरादी भी है। यीशु मसीह ने एक शख्स को भी इग्नोर नहीं किया, बल्कि उसने कहा तो आज भी मेरे साथ फिरदौस में होगा। यहां पर एक और कंसर्न है और वो है वेरी स्पेशल कंसर्न, वेरी पर्सनल कंसर्न। और वो कंसर्न ये है कि इसके बाद खुदावन यीशु मसीह जानते हैं कि 12 बजे क्या होने वाला है। अभी 12 नहीं बजे, 12 बजे से पहले पहले खुदावन यीशु मसीह ने रोशनी में ही ये तीसरा कलमा कहा है। खुदावन यीशु मसीह ने अपनी मां से मतलब फिक्रमंदी जाहिर की है और दीगर खवातीन के साथ खुदावन यीशु मसीह की मां मरियम भी वहां मौजूद थी। खुदावन यीशु मसीह चाहते हैं कि वो अपनी मुकद्दसा मां को किसी ऐसे मसीही के सुपुर्द करे जिस पर उनको तसल्ली हो, क्योंकि स्लीप के नीचे जो मरियम का किरदार है वो 3 W's के साथ बयान किया है मैंने। स्लीप के नीचे मुकद्दसा मरियम का जो किरदार है वो डिस्प्ले होता है 3 W's में, और ये सफा नंबर 83 पर मिलेगा। शी वाज विलिंग, मुकद्दसा मरियम जो कुछ हो रहा था वो विलिंग थी कि हो जाए, वो राजी थी इस बात में। इसलिए कि पैदाइश के वक्त भी वहां फिक्रा कहा था कि मुकद्दसा मरियम सब बातों को दिल में रख कर उन पर गौर करती रही। शी वाज विलिंग, वो अपने बेटे की कुर्बानी के लिए राजी थी। वो जानती थी, उसने अपने दिल पर पत्थर बांधा हुआ था, वो जानती थी कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ। But she was willing. Number 2, she was waiting. वो मुंतजर थी कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। उसके इंतजार में उसका जी उठना भी था कि वो जी उठेगा। She was waiting. She was willing. She was waiting and she was weeping. वो 3 W's डिस्प्ले कर रहे थे। लोग चंद सवाल करते हैं कि खुदावन्द यीशु मसीह के अगर अपने बहन भाई थे तो फिर खुदावन्द यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम को अपने बहन भाइयों के सुपुर्द क्यों नहीं किया। और मरकुस की इंजील में ही खुदावन्द यीशु मसीह ने डेक्लेरेशन दी है, उसने कहा है कि जो मेरे कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं वो मेरे बहन भाई। खुदावन्द यीशु मसीह खूनी रिश्तों पर रूहानी रिश्तों को तरजीह देते हैं।
वो कहते हैं कि मुझे उस भाई की जरूरत नहीं है जो मसीही नहीं है, जो बाइबल के मुताबिक नहीं है। लिहाजा चाहे मेरा सगा भाई भी हो, मैं अपनी मसीही मां को गैर मसीही भाई के सुपुर्द नहीं करना चाहता। सो ये एक लॉजिक है पीछे कि जॉन यूहन्ना उसकी मासों का बेटा था, कजन था, और जॉन उसका शागिर्द भी था, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो उसे फौरन अपने घर ले गया। और तारीख ये बताती है कि जब तक मुकद्दसा मरियम जिंदा रही उस वक्त तक यूहन्ना ने अपनी बशारती खिदमत का आगाज नहीं किया। और तारीख यह बताती है कि खुदावन यीशु मसीह की मौत के 12 साल तक मुकद्दसा मरियम जिंदा रही और वो मुकद्दसा मरियम की खिदमत करता रहा। मुकद्दस यूहन्ना ये कहते थे कि मेरी पहली जिम्मेदारी मां की खिदमत है और दूसरी जिम्मेदारी इवेंजलिज्म है। और उन्होंने फिर इवेंजलिज्म दीगर शागिर्दों से देर से शुरू किया। खुदावन्द यीशु मसीह और मुकद्दस यूहन्ना रसूल बाइबल मुकद्दस को जानते थे और वो पांचवें हुक्म की तामील में पाबंद थे। और ये वो हुक्म है जिसके साथ उम्र की दराजी का वादा भी किया गया है। सो खुदावन्द यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उसने उसको पेश किया। अब एक चीज मैं यहां डिक्लेयर करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि हम इसको सीखें। तीसरे कमरे में खुदावन्द यीशु मसीह इज ऑन हिज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल जॉब। वो एक बड़ी जिम्मेदारी पर है। खुदा और इंसान के दरमियान जो रिलेशनशिप टूटा हुआ है उसको वो कर रहे हैं और ही इज प्राउड ऑफ दैट। वो जानता है क्या हो रहा है। लेकिन अपनी रूहानी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी खानदानी जिम्मेदारियों को भी पूरा करता है। और हम जो प्रैक्टिकल मिनिस्टर्स हैं, हम जो पादरी साहबान हैं, कई दफा हम अपनी रूहानी खिदमत में और दीनी खिदमत में हम अपनी बीवियों को, अपनी बेटी को, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को डांट देते हैं। हम कहते नहीं, आपका जो मर्जी हो, मैंने ये अपना खुदा का काम है, मैंने करना ही करना है। चाहे आपको रोटी मिले या ना मिले, चाहे आपको सिक्योरिटी मिले ना मिले, मुझे खुदा ने कहा मैंने ये करना ही करना। सो खुदा ऐसा नहीं चाहता। या खुदा में यीशु मसीह ने मिसाल दी है, वेदर यू आर ऑन योर ऑफिशियल जॉब यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर फैमिली। आप अपने खानदानी जिम्मेदारियों से आंखें बंद नहीं कर सकते। अगर आपको पता है कि आपने सुबह चर्च में जाना है तो आपकी जिम्मेदारी है कि अगले दिन के लिए खानदान के सारे इंतजाम करके जाए, खानदानी जिम्मेदारियों को पूरा करें। तीसरे कमरे में एक और इश्यू है जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं बहुत जल्दी, वो है कल्चरल इश्यू। कल्चरल इश्यू में हम देखते हैं कि खुदावन्द यीशु मसीह ने जब अपनी मां को मुखातिब किया है तो उसने उसको ए औरत कहा। और आज के उर्दू अदब के तकाजे इसको कबूल नहीं करते हैं। लेकिन हमें बतौर मसीही ये बात देखनी है कि जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं
उसमें बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो उस वक्त की जबानदानी सियाक और सबाक और तहजीब तमद्दुन की अकासी करते हैं, जो आज हमारे कामों को शायस्ता नहीं लगे, आज वो हमारे कामों में इतने शिकुफ्ता नजर नहीं आएंगे, लेकिन हमें बाइबल मुकद्दस को ऐसे नहीं पढ़ना जैसे हम पढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस को हमेशा ऐसे पढ़ना है जैसे बाइबल मुकद्दस चाहती है कि उसे पढ़ा जाए। ये प्रिंसिपल है बाइबल रीडिंग का कि अगर बाइबल मुकद्दस को आप वैसे पढ़ेंगे जैसे बाइबल मुकद्दस चाहती है तो आप परेशान नहीं होंगे, और अगर बाइबल मुकद्दस को वैसे पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं या आप पढ़ना चाहते हैं तो बाइबल मुकद्दस का कल्चर और उसकी जबानदानी आपको परेशान करेगी। औरत मां को आज के उर्दू अदब में इतना महजब नहीं है, गुनाई इसको ग्रीक में कहते हैं और यहां से गुने और गायनेकोलॉजी यहां से लफ्ज निकला है, जो खवातीन से मतलब मेडिकेशन है उनके जो इश्यूज हैं उनको समझने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। सो गुने यहां पर लफ्ज है गुनाए ए औरत वोकेटिव सेंटेंस है। बाइबल से छोड़कर आप उस वक्त के क्लासिकी यूनानी कल्चर में चले जाएं, वहां आपको बड़े बड़े शौरा इवन बादशाह अपनी मां को इवन अपनी बीवी को ए औरत कहकर पुकारते हैं। शहंशाह कैसर ऑगस्टस अपनी मिस्री मलका क्लोपत्रा को ए औरत कहता था। फिर उसके बाद यूनानी कल्चर में जो बड़े बड़े लोग थे खवातीन को ए औरत कहकर पुकारते थे। और अगर आप इंजील मुकद्दस में देखें, मैंने बहुत से हवाले लिखे हुए हैं सफ़ा नंबर 92 पर, मत्ती की इंजील 15 बाब के 28वें आयत में कनानी औरत को ए औरत का नाम दिया गया है, औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा था। लूका की उसके 13वें बाब की 12वीं आयत में कुबड़ी औरत को औरत यसूसी ने इस्तेमाल किया उसके लिए, सामरी औरत के लिए, फिर एक ऐसी औरत के लिए जो सानिया थी उसको ए औरत कहा गया, मरियम मगदलीनी के लिए औरत कहा गया। ए औरत तो किसको ढूंढती है, औरत तुझे मुझसे क्या काम, मगर सामरियम के लिए इस्तेमाल हुआ था। ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है और तेरी मां ये है। ऐ औरत जो है अगर आज के कल्चर में हम इसको ट्रांसलेट करें तो ये बनेगा मैडम या मोहतरमा, और अगर किसी औरत को मैडम कहें या मोहतरमा कहें तो ये इज्जत की बात है ना। हमारे आज के कल्चर में इज्जत की बात है किसी खातून को मैडम कहना या मोहतरमा कहना, और यही लफ्ज जो है ए औरत कहकर उस वक्त मखातिब किया जाता था खवातीन को, इसलिए कि वो इज्जत की बात समझा जाता था। तीसरे कलमे से हम क्या सीखते हैं, तीन चीजें सीखते हैं हम तीसरे कलमे से। पहली बात सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हमारा रूहानी रिश्ता हमारे जिस्मानी रिश्तों से मजबूत हो, हमारे रूहानी रिश्तों को हमारे जिस्मानी रिश्तों पर फौकियत हासिल हो। ये पहला लेसन है जो तीसरा कलमा हमें देता है, और यही वजह है
कि खुदावन यीशु मसीह ने अपनी मुकद्दस आमान को अपने उन बहन भाइयों के सुपुर्द नहीं किया जो जिस्मानी रिश्तों में जुड़े हुए थे, बल्कि खुदावन यीशु मसीह ने रूहानी रिश्तों की अहमियत को उजागर करते हुए उसने अपनी मुकद्दस आमान को अपने रूहानी भाई के सुपुर्द किया, जहां पर उसको अच्छी तरह से लुक आफ्टर किया जा सकता। दूसरी बात, नए मसीही रिश्तों का कयाम और उनका तकद्दस, ये तीसरे कलमे का दूसरा लेसन है। नए मसीही रिश्तों का कयाम और उनका तकद्दस। तीसरा कलमा हमें लेसन देता है कि हमें हर उस मां को कबूल कर लेना है जिसको बेटी की जरूरत है, और माओं को यह लेसन देता है कि हम कलीसिया में से हर उस बेटे को कबूल कर ले जिसको मां की जरूरत है। सो तीसरा कलमा गुड फ्राइडे वाले दिन जब हम बोलते हैं तो इसका मकसद यह है कि नए रिश्तों का कयाम और उनका तकद्दस, उनकी तकदीस को, रूहानी रिश्ते। हमारे पास बहुत सारी ऐसी माएं हैं जो किसी बेटे की मुंतजर हैं, उनको किसी बेटे की बेटी की जरूरत है। सो इस गुड फ्राइडे हमें उस मां को ढूंढना है जिसको बेटे या बेटी की जरूरत है। तीसरा कलमा आपको यह लेसन देता है, और उस बेटी को या बेटे को ढूंढना है जिसको मां की जरूरत है। सो ये प्रैक्टिकलिटीज हैं, ये सीखने वाली चीजें हैं, करने वाली चीजें हैं, ये सिर्फ मेडिटेशनल नहीं है। हमने इसको अमल में भी लाना है। तीसरी बात, रूहानी और खानदानी रिश्तों में तवाज़ुन रखना। रूहानी और खानदानी जिम्मेदारियों में तवाज़ुन रखना। इम्बैलेंसेस जब मेरी और आपकी मिनिस्ट्री में आ जाएंगे तो मेरी फैमिली तबाह हो जाएगी या मेरी मिनिस्ट्री तबाह हो जाएगी। सो बैलेंस रखना कि मुझे अपनी बीवी को भी देखना है, अपनी बेटी को भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है, अपनी माँ को भी देखना है और अपने काम को भी देखना है। ये नहीं है कि बस पादरी साहब सारे दिन कलीसिया से और फैमिली बेचारी भूखी मर। सो बैलेंस्ड क्रिश्चियन लाइफ, ये हमारे लेसन हैं जो हम तीसरे कमरे से सीखते हैं। थैंक यू।